श्री राजा रामपाल सरल स्वभाव, कोमल हृदय, मधुर भाषी एवं जमीन से जुड़े साधारण व्यक्तित्व वाले जनप्रिय नेता हैं। श्री राजा रामपाल एक सच्चे देशभक्त के रूप में समाज और देश के प्रति अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ जनसेवा के लिए जाने जाते हैं। वे अत्यंत जुझारू एवं कर्मशील व्यक्ति हैं। श्री राजा रामपाल के व्यक्तित्व के बारे में जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम है। ये मिलनसार प्रवृत्ति, साफ एवं निर्मल छवि, उदारवादी, पुरुषार्थी एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी है। इनकी खेल कूद में भी बहुत रुचि है। युवा वर्ग में इनकी एक खास छवि है। उनके लिए ये संघर्षशील, जवाबदेह, आत्मविश्वास से परिपूर्ण एवं ठोस कदम उठाने वाले आशावादी प्रवृत्ति के मालिक हैं और एक बड़े ही प्रेरणा स्रोत हैं। उनके साथ ये हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। श्री राजा रामपाल जी का पैतृक गांव सिरोह, तहसील घाटमपुर, कानपुर में स्थित है। श्री राजा रामपाल जी ने यही एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और यही इनका लालन पालन हुआ। मैं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सिरू, पोस्ट पड़लालपुर, तहसील घाटमपुर, कानपुर में पैदा हुआ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/11/1960 है। मैं बचपन से ही हमारे पिता, तीन भाई, उनकी दो बहनें, हम छह भाई तीन बहनें, ज्वाइंट फैमिली में मेरा लालन पालन हुआ। मैं उन छह भाइयों में तीसरे नंबर का भाई था, जो कक्षा एक से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लिखाई में ठीक होने के कारण ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके वकालत शुरू करने का काम किया। और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा भी गांव के ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने ग्रहण की। जैसे कि हम लोगों को पता है कि राजा रामपाल जी हमारे इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस स्कूल से पढ़ करके वो सांसद के लिए चुने गए। इनकी प्रखर बुद्धि एवं पढ़ाई में तीक्ष्ण मानसिकता की झलक बचपन में ही दिखाई देने लगी थी। इनकी सरलता, सरसता, सौम्यता की झलक यहाँ की मिट्टी में मिलती है और आज भी ये अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। सांसद राजा रामपाल जी जो आज मौजूदा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ एक साथ हम लोग पढ़े हुए हैं, कक्षा एक से लगाकर कक्षा आठ तक एक साथ पढ़े, फिर इसके बाद में हाई स्कूल तक परिलालपुर स्कूल में पढ़े, और इसके बाद में वो चले गए कानपुर। कानपुर जाने के बाद में उन्होंने LLB की। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई श्री गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज घाटमपुर कानपुर और श्री नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज पतारा कानपुर से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने DBS कॉलेज कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तदुपरांत दयानंद विधि महाविद्यालय से कानून की शिक्षा ग्रहण की। ये इस महाविद्यालय का गौरव रहा है कि यहाँ से ही पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं भारत गणराज्य के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी जैसी कई नामचीन महान हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है। अपने विद्यार्थी जीवन काल से ही देश सेवा और समाज सेवा की भावना ने ही श्री राजा रामपाल जी को राजनीतिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के पश्चात वे राजनीति में सक्रिय हो गए। धीरे धीरे इन्होंने जन सेवक के रूप में आम जन के बीच अपनी कर्मठ एवं जुझारू कार्य शैली से बहुत जल्द लोगों के हृदय में जगह बना दी। इनकी राजनीति में बढ़ते कदम
निरंतर अग्रसर होते रहे और श्री राजा रामपाल जी जनता के बीच एक अच्छे नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए और उनकी गहरी पैठ बनती गई। अपने कार्यकाल में जनमानस से जुड़ी समस्याओं का बखूबी निवारण किया और निरंतर नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया। श्री राजाराम पाल 1982 से 1996 तक नियमित प्रैक्टिस करते रहे हैं। इनके साथ में 15,000 वकील और क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है। ये हमेशा गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की निःशुल्क वकालत करते रहे हैं। इसके अलावा 1996 के बाद से आज तक हर सोमवार को ये यहाँ पर आकर डीएम, डीआईजी, एसएसपी और तहसील में जाकर लोगों की मदद करते हैं, उनको फ्री उनकी सेवाएं करते हैं। अच्छी वकालत के बाद मेरा दिल ये कहता था कि इतने काम के लिए तुम नहीं आए हो, तुम्हें इससे भी बड़ा काम कोई करना है। तो मैं तमाम राजनीतिज्ञों से मिला, उनसे मैंने एक सवाल किया कि मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, लेकिन पूछो क्यों। तो उन्होंने कहा कि पूछो क्यों आना चाहते हो, तो मैंने कहा मेरी जिंदगी का मकसद करोड़ों के लिए जिंदा रहना है, वो चाहे राजनीतिक मार्ग हो चाहे राजनीतिक मार्ग हो। 1996 में टिकट पा करके मैं पहली बार घाटमपुर विधानसभा से एमएलए बना और एमएलए बनने के बाद कांशीराम साहब ने कहा है तुझे एमएलए बन के नहीं रहना है, तुझे एमपी बनना है। उसके बाद 98 पार्लियामेंट लड़ाया एमएलए रहते, 99 पार्लियामेंट लड़ाया एमएलए रहते, 2003 का चुनाव लड़ा, 2004 में फिर एमपी बन गया। एमपी बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी में मेरे अम्बेडकर मिशन में काम करते हुए एक ऐसा दौर आया जिसके कारण